जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रधानमंत्री के हाथों धर्मनगरी अयोध्या को मिलेगा हजारों करोड़ की परियोजनाओं का उपहार। राममय अवधपुरी में 30 दिसंबर को होगा प्रधानमंत्री का भव्य नागरिक अभिनंदन। प्रधानमंत्री के आगमन पर त्रेता युगीन वैभव के अनुरूप सुसज्जित होगी धर्मनगरी अयोध्या। नमस्कार सखी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। हम अयोध्या में हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का जो निर्माण कर रहे हैं वो बड़ी तेजी के साथ चल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, चाहे हम अयोध्या रेलवे स्टेशन की बात करें, चाहे एयरपोर्ट की बात करें, यहाँ के चौक चौराहों की बात करें, यहाँ पर आपको श्रमिक जो है वो 24 घंटे काम करते नजर आएंगे। और भक्तों का जो तांता है, भक्तों का जो रेला है, वो लगातार आता जा रहा है। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ यहाँ पर लगातार भक्तों की भीड़ आ रही है। और 22 जनवरी को लेकर बहुत उत्साह है, यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं तमाम तरह की। आज की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं अयोध्या में क्या बदलाव आ रहे हैं और अयोध्या कैसे सज और समझ रही है। आज देख रहे हैं अयोध्या से प्रभा साक्षी की ग्राउंड रिपोर्ट। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बहुप्रतीक्षित आयोजन से पूर्व आगामी 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी का अयोध्या में आगमन होना है। प्रधानमंत्री का यह अयोध्या दौरा अयोध्या को हजारों करोड़ की परियोजनाओं का उपहार देने वाला होगा। यह आयोजन अति महत्वपूर्ण है। इसके दृष्टिगत भारत सरकार के सहयोग से स्थानीय प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। हम आपको बता दें कि धर्मनगरी अयोध्या को त्रेता युगीन वैभव के अनुरूप सजाया जा रहा है। पूरी अयोध्या को राममय किया जा रहा है। स्थानीय मठ मंदिरों को सजाया जा रहा है। भव्य तोरण द्वार तैयार कराए जा रहे हैं। स्थान स्थान पर भजन सरिता का प्रवाह हो, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। हम आपको यह भी बताते हैं कि राम पथ, भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ और धर्म पथ तथा अयोध्या एयरपोर्ट से बाईपास से नया घाट जोड़ने वाले मार्ग से संबंधित कार्यों को गुणवत्ता के साथ शीघ्रता से पूरा किया जा रहा है। इसके लिए श्रमिक दिन रात मेहनत कर रहे हैं और ख़ासतौर पर ये जो इनके फुटपाथ हैं और वहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए चलने के लिए ठीक से जगह हो, इसको सुनिश्चित किया जा रहा है। मुख्य कैरेज वे पर वाहन चलें तथा जहाँ जहाँ पर पर्याप्त चौड़ाई है उन स्थानों पर बैठने की व्यवस्था व अन्य जन सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के स्वागत हेतु अयोध्यावासी भी बहुत उत्सुक हैं। ऐसे में उनका भी यथोचित सहयोग यहाँ पर इन कार्यों में मिलता दिख रहा है। साधु संत गणों का मार्गदर्शन भी स्थानीय प्रशासन को और जो यहाँ पे श्रमिक हैं उनको प्राप्त हो रहा है। पुष्प वर्षा कर प्रधानमंत्री का अभिनंदन किए जाने की तैयारियां की जा रही हैं। स्वस्ति वाचन कर प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया जाएगा, ऐसा हमें लोगों ने यहां बताया। और आपको बता दें कि हाईवे से नया घाट की तरफ आ रहे धर्मपथ की भी सजावट प्रधानमंत्री के आगमन के दृष्टिगत आकर्षक बनाई जा रही है और एयरपोर्ट से नया घाट के मार्ग को उसी प्रकार आकर्षक फूलों से सजाया जा रहा है जिस प्रकार सुल्तानपुर रोड से एयरपोर्ट फोरलेन मार्ग को सजाया गया है। हम आपको यही बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग लखनऊ गोरखपुर में अयोध्या बाईपास की रेलिंग को आकर्षक रंगों से पेंट किया जाएगा तथा उसकी मीडियन में आकर्षक फूल व गमले आदि भी रखे जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में अयोध्या में 30,000 करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाएं इस समय गतिमान हैं। प्रत्येक परियोजना के निर्माण कार्य की नियमित गुणवत्ता भी चेक की जा रही है। हम आपको यही बता दें कि स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। पूरा नगर साफ स्वच्छ रहे, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। अयोध्या में कहीं भी सड़कों पर धूल तथा गंदगी आदि न हो, इसके लिए आवश्यकतानुसार अतिरिक्त मैन पावर भी तैनात की जा रही है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के भ्रमण कार्यक्रम और जनसभा के दृष्टिगत सभी तैयारियां और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही हैं। इनके लिए अभी से सभी विभाग आपस में समन्वय करते हुए समस्त तैयारियों को पूर्ण कराने में लगे हुए हैं। हम आपको बता दें कि जनसभा स्थल और अन्य प्रमुख स्थलों पर वाहनों की पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था हो और उन पार्किंगों के पास पर्याप्त जन सुविधाओं की भी व्यवस्था हो, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की जनसभा में आसपास के जनपदों से 1.5 से 2 लाख आम नागरिकों के आने की संभावना के दृष्टिगत सभी तैयारियां और अयोध्या को जोड़ने वाले प्रमुख मार्गों पर पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था और जनसभा में आने वाले नागरिकों की आधारभूत सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है।
हम आपको यही बताने चाहेंगे कि अयोध्या का एक डिजिटल टूरिस्ट मैप विकसित किया जा रहा है, उसमें अयोध्या में मौजूद सभी आधारभूत सुविधाओं और प्रमुख स्थलों की जानकारी, सभी भारतीय भाषाओं और भगवान श्री राम से जुड़ने वाले प्रमुख देशों की भाषाओं व संयुक्त राष्ट्र की भाषाओं में होंगी। हम आपको बता दें कि 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि को देखते हुए अभी से सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। विभिन्न पार्किंग स्थलों से श्रद्धालुओं को अयोध्या भ्रमण हेतु इलेक्ट्रिक बसों की पर्याप्त व्यवस्था भी हो, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था आरपीएफ, नागरिक पुलिस व रेलवे विभाग आपसी समन्वय के साथ कर रहे हैं। परिवहन विभाग पर्याप्त मात्रा में बसों का संचालन हो, यह सुनिश्चित करने में जुटा हुआ है। हम आपको बता दें कि अयोध्या रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट के मार्गों के गड्ढों को भी ठीक किया जा रहा है। NHAI बाईपास मार्ग पर के डिवाइडर पर जो सजावट की गई है, यह बेहतर ढंग से और की जा रही है। हम आपको बताना चाहते हैं कि अयोध्या में ट्रस्ट द्वारा यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था से अलग धर्मशाला और होटल आदि में भी यात्रियों को निर्धारित दर पर रहने की व्यवस्था की जा रही है। 22 जनवरी को वही लोग अयोध्या में आ सकेंगे जिनके पास निमंत्रण पत्र है या तो वह सरकारी ड्यूटी में तैनात हों। इस तरह की भी खबरें हैं कि कुछ लोगों ने 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा के दिन स्थानीय होटल और धर्मशालाओं को बुक करा लिया है। खबरें चल रही हैं कि ऐसी बुकिंगों को निरस्त किया जाए जिससे शासन प्रशासन में कोई परेशानी ना हो, क्योंकि उस दिन भारत के विशिष्ट आमंत्रित जन अयोध्या आएंगे तथा अयोध्या एयरपोर्ट पर 100 प्लेन आने की संभावना है, उसके डायवर्जन की भी व्यवस्था की जाएगी, ऐसी भी बातें की जा रही हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रशासन की ओर से यह कहना है कि हमारी जिम्मेदारी सभी की सुरक्षा के साथ साथ स्वागत की भी है, इसलिए सरकारी और पुलिस कर्मचारियों का व्यवहार आदर्श होना चाहिए। पुलिस बल में जोन वाइज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की जा रही है, साथ ही STF और ATS फोर्स की भी संख्या को बढ़ाते हुए कैंपिंग की जा रही है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।